होता क्योंकि स्मृति को समय नहीं रहता था, कमी आया। आज राजस्थान के, भारत के, हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार और लेखक, एक सुहृदय व्यक्ति और हम सब के अंतरंग कृपालु मित्र, वरिष्ठ लेखक, कवि, चित्रकार, आलोचक श्री प्रकाश परिमल को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम में, जो कि प्रकाश परिमल जी की स्मरणांजलि का कार्यक्रम है, उनके साहित्यिक अवदान पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके लेखन कर्म पर और उनकी सारी सांस्कृतिक यात्रा पर हम संक्षेप में ऐसे मित्रों से और विद्वानों से चर्चा कर रहे हैं जिनका बड़ा सघन संपर्क प्रकाश परिमल जी से बरसों का रहा है। ऐसी स्थिति में हम सब सहभागी जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, श्री अशोक आत्रे, श्री रमेश खत्री, श्री भानु भारवी, मैं हेमंत शेष, राजा राम भादु, इस कार्यक्रम में हम आज प्रकाश परिमल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करें, उसके पहले हम इस शीर्षक की बात करना चाहते हैं जिसमें हमने इस कार्यक्रम को जो शीर्षक दिया है वो ये है कि मायने प्रकाश परिमल होने के। तो जब हम मायने प्रकाश परिमल होने के कहते हैं तो इस संज्ञा में, जो कि एक बहुवचन है, एक मायना नहीं है बल्कि उनके कई मायने हैं। एक लेखक होने के नाते, एक संघर्षशील व्यक्ति होने के नाते, एक तरह से चित्रकार होने के नाते, कला समीक्षक होने के नाते, और एक पूरे सांस्कृतिक युद्ध को अकेले लड़ने वाले योद्धा के रूप में भी प्रकाश परिमल जी हम सब लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण अवदान छोड़ गए हैं, उसकी याद करना हम आज यहाँ जरूरी समझते हैं। मुझे अचानक एक महाकवि अंग्रेजी की कविता याद आ गई जिसका हिंदी शीर्षक है, कंकरों को पालतू बनाना असंभव है। वाह। जेबन्यू हर्बर्ट की एक कविता है, कंकरों को पालतू बनाना असंभव है। जब भी मैं प्रकाश परिमल जी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इस कविता की इस पंक्ति के साथ उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण शायद आरंभ करना उचित हो, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे जो सबके बीच में होते हुए भी निर्वैयक्तिक थे, निरपेक्ष थे, बहुत ज्यादा अकेले थे अपने आप में। रचनाकार, बड़े रचनाकार होने की सारी विशेषताएं उनकी ये थी कि वो बहुत सामाजिक उस अर्थ में नहीं थे, क्योंकि हमने उनको सभा समारोहों में, गोष्ठियों में, लेखक सम्मेलनों में और पचासों पुस्तक मेलों में, आयोजनों में या गोष्ठियों में आते जाते नहीं देखा। कुछ अंतरंग लोगों के साथ ही उनका संवाद उस अर्थ में था और वो अपना काम चुपचाप एक मधुमक्खी की तरह से करना पसंद करने वाले व्यक्ति। मैं परिमल जी के कवि पक्ष से आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि मूलतः यद्यपि वो गद्यकार भी थे, उन्होंने उपन्यास भी लिखा, एक अनिता नाम का उपन्यास उनका मेरे सामने है। इसी तरह से उन्होंने और दूसरे कहानी संग्रह भी, उनका कहानी संग्रहों में उनकी रचनाएं हैं, किंतु मुझे लगता है कि वो मूल रूप से एक कवि थे और उनका कवि पक्ष सबसे ज्यादा प्रबल था। जहां तक कविता का सवाल है, कविता में भी जैसा कि राजा राम जी और आत्रेय जी और भानु जी और रमेश जी बतलाएंगे, वो न शुद्ध आधुनिक थे, न उत्तर आधुनिक थे, न शुद्ध परंपरावादी थे, न
घोर एक तरह से पिछड़े हुई कविता के प्रवक्ता थे या गीतकार थे, जैसे कि मंची गीतकार भी नहीं थे। वो कविता में आधुनिकता और परंपरा दोनों के संयोजन करने वाले कवि थे, जिसमें परंपरा की अंधभक्ति नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर एक तटस्थ निगाह उनकी हमेशा रहती थी। तो उस दृष्टि से उनका कवि रूप बड़ा अद्भुत है, जिसमें कि उनके अनेक संग्रह हैं। और उन सब संग्रहों की याद हम लोग करें, उसके पहले मैं अशोक आत्रेय जी से प्रार्थना करूंगा कि वे संक्षेप में परिमल जी के संबंध में जो भी वक्तव्य आरंभ करना चाहें उनके कवि पक्ष के संदर्भ में, तो कृपया वो प्रकाश परिमल जी के कवि कर्म के संदर्भ में कुछ कहें। श्री अशोक अशोक जी से आत्रेय। हेमंत, जब प्रारंभ ही आपने यह किया है कि हम प्रकाश परिमल की अनुपस्थिति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, किंतु यह अनुपस्थिति हमें उस हमें एहसास उस एहसास की तरफ भी ले जाते हैं जहां हमें महसूस होता है कि पिछले वर्षों के साहित्यिक अवदान में प्रकाश परिमल का जो योगदान है, कविता के रूप में, कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, कवि के रूप में, चित्रकार के रूप में, और विभिन्न विधाओं से इनका लगातार जो जुड़ाव रहा उसको लेकर के जो प्रकाश परिमल का योगदान है वो अभूतपूर्व है। और ये हम इसलिए कह सकते हैं कि वैदिक संदर्भों से लेकर के आधुनिकतम और उत्तर वैदिक उत्तर आधुनिक काल तक की सभी यात्राओं को प्रकाश जी ने अपनी कविता यात्रा में या कविताओं में प्रस्तुत किया है। और उनकी कविताओं में न केवल सामाजिक वैयक्तिक मूल्यों की बात उभरती है, बल्कि उनकी जो चित्रकला के प्रति, चित्रकर्म के प्रति जो एक विशेष प्रकार का उनका लगाव था और वैदिक सौंदर्य बोध से जो उनका जुड़ाव था वो भी उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान में हमें नजर आता है। फिलहाल में मुझे अपनी स्मृति में उनकी एक कविता याद आ रही है जो मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो कविता प्रकाश जी के व्यक्तित्व और उनके संघर्ष को सामने रखती है। और ये कविता मैं आपको थोड़ा सा उसको सुना देता हूँ। दधीचि की अस्थि चरम मेरी वैयक्तिक इति, दधीचि की अस्थि चरम मेरी वैयक्तिक इति, किंतु यह क्षायित पिंजर अंधकार पर कैसे डालूं, किंतु यह क्षायित पिंजर अंधकार पर कैसे डालूं, ताजमहल के श्वेत वर्ण पर कीच उछालूं, किंतु यह स्वायत पिंजर किंतु यह क्षायित पिंजर अंधकार पर कैसे डालूं, ताजमहल के श्वेत वर्ण पर कीच उछालूं, इसीलिए यह यत किंचित सा मैं सारा युग संभावन की बरसाली भी लांग न पाया अपने ओछेपन के डर से। दधीचि के संदर्भ से लेकर के और संभावन की बरसाली तक की जो यात्रा है वो प्रकाश परिमल की एक संपूर्ण जो संस्कृति विज्ञ जो उनका जो व्यक्तित्व है वहां से लेकर के आधुनिकतम आज के आज तक की यात्रा की सारी टोटल संवेदनाओं को इसमें सारी अभिव्यक्ति मिलती है। और ताजमहल के श्वेत वर्ण पर कीच उछालू की जो बात आती है वो आधुनिकतम जो आज की संदर्भ है, विघटन की जो समस्या है, मूल्यों के विघटन की जो बातें हैं उसमें सामने आती है। तो मेरा कहना यह है कि प्रकाश जी का जो सारा अवदान है पिछले 50, 60, 70 सालों का, उसमें उनकी कविता हिंदी के नई कविता और उसके बाद के आज तक की कविता को अपने आप में पूरी तरह समेटती है, उसका समाहार करती है। और मैं इसके साथ में बाद में उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन से जुड़े कुछ मूल्यों की भी चर्चा करूंगा आपसे। फिलहाल धन्यवाद इसके लिए कि धन्यवाद आपने मुझे धन्यवाद बुलाया आत्रेय इसके लिए। साहब, आपने आरंभ मैं जो बतलाया, राजा राम जी आपका स्वागत है। और आप आरंभ से, यानी कि मुझे तो स्मरण है कि करीब 80 के दशक से प्रकाश परिमल जी के संसर्ग में रहे और उनका बड़ा सघन संपर्क आपका वार्ता के स्तर पर भी, और आप मिलते जुलते भी रहे। भरतपुर में भी आपकी स्मृतियां हैं उनके साथ की, जयपुर में भी हैं। तो एक आलोचक के रूप में या समीक्षक के रूप में आप उनकी कविता के संदर्भ में कुछ कहिए, कुछ उनके बारे में कहिए, श्री राजा राम भादु। जी। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। और
ये बड़ा अच्छा अवसर है कि हम एक, मैं तो उनकी प्रकाश जी की भाषा में कहूं तो एक हम एक उपनिषद का हिस्सा है, एक जो मिलकर के परंपरा जो रही ऋषियों की, के आपस में मिलते थे, बात करते थे, तो हम लोग पता नहीं कितने ऋषि हो पाए, ये तो थोड़ा अपने बारे में कहना मुश्किल है, पर एक तरह का संवाद हम उस परंपरा में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक संवाद हम प्रकाश जी पर और प्रकाश जी के बहाने बहुत सारी चीजों पर करने जा रहे हैं। तो एक अच्छा अवसर एक सृजित हुआ है इसमें जनसरोकार मंच के माध्यम से। उनका जैसा कि आपने बताया था, ये शायद मुझे मोटा मोटी मैं याद करता हूँ तो 84-85 के आसपास की बात है, और ये श्रेय तो आपको ही जाएगा। मैंने उनका उनका नाम सुन रखा था प्रकाश जी का, और उसका या नाम जी सुनने में कलानाथ जी उसका उनका संदर्भ कभी कभार दिया करे आपको जाता है कि आप तो अपने उस समय एडीएम फर्स्ट थे और बहुत सारे काम जी आपके पास रहते थे, और प्रकाश जी वहां गए हुए थे तो जी घना पक्षी विहार घूमने तो बिजन जी के साथ जाते थे, अब फिर भी बिल्कुल बिजन जी पढ़ाने जाते थे तो उनके पास काफी समय रहता था, तो मुझे वो समय मिल गया और मेरा उनसे परिचय वाह संवाद हुआ। और जिस क्या तरह बात से हुआ तो मैं तो मेरे तो एक कहना चाहिए कि बिल्कुल मुझे कहने में संकोच नहीं, अतिशयोक्ति लगेगी, एक ज्ञान की खिड़की खुल गई है ना। वाह और वाह उसमें क्या कहते बात हैं कि थोड़ा जैसा कि उस समय युवा लोगों पर सब पे प्रभाव था अंग्रेजी का, फिर अंग्रेजी साहित्य हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, छात्र रहे थे अंग्रेजी साहित्य के, तो वो था, तो जी उसका एक 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 गुमान, एक प्रभाव, एक इस तरह का चलता था। और प्रकाश जी अंग्रेजी के बड़े विद्वान, और एक जी बच्चे को कैसे बताया जा सकता है उसका, अभी ने उस दिन जो आचार्य जी ने संस्मरण सुनाया था अपना, कि कैसे वो जो बिल्कुल भी स्टूडेंट थे कैसे साइकिल लेके जाते थे और वहां रुक जाते थे और पता चलता कि वो तो कॉलेज में लेट हो गए, तो वो इस उस तरह का उनको आता था कि विद्यार्थियों से, छात्रों से कैसे बात की जाती, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी और बड़ी बड़ी रेयर है। और उस नहीं, समय बड़ी मैं बात आपको है। बताऊं, हाँ हेमंत जी, उस समय उल्टा चलन था, जो जितना विद्वान होता था उतनी दूरी बरतता था युवाओं से, युवा रचनाकारों से, युवाओं से, एक किस्म का दूरी बरतने का एक चलन था। एक छोटी हाँ सी जी हाँ, बात बिल्कुल मैं जोड़ देता हूँ, आपने जब बिल्कुल, याद दिलाया तो मुझे याद आया। हाँ जी, बिल्कुल संदर्भ बिल्कुल यही है कि उस समय मैं भी अपनी किशोरावस्था किशोरावस्था में में था, था, युवावस्था युवावस्था में में था था और और रूरल रूरल कॉलेज कॉलेज पढ़ने पढ़ने जाया जाया करता करता था। था, तो और मैं मैं साइंस साइंस का के स्टूडेंट स्टूडेंट था, था और जब उस समय बीकानेर में जयपुर से शिफ्ट हुआ था तो साहित्य में मेरी प्रारंभिक यात्रा उस समय लगभग शुरू नहीं हुई थी, किंतु प्रकाश जी का जो इंटेलेक्चुअल जो एक उनका जो प्रभाव था, वातायन से जुड़े थे और लगातार पत्रिकाओं का संपादन पिछले 3-4 वर्षों से कर रहे थे, और जो प्रभा मंडल बीकानेर में प्रकाश परिमल जी का बन गया था उस समय में, उसमें लगभग सभी सभी प्रकार के लोग से जुड़े और उनसे प्रभावित हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी युवावस्था में, किशोरावस्था में, जब मैं जयपुर से बीकानेर आया तो मेरा संपूर्ण बाद का लेखन, जो कि कहानीकार के रूप में मेरी इमर्जेंस हुई, उसमें प्रकाश जी का महत्वपूर्ण और अधिकतम योगदान रहा। उन्होंने मुझे जिस रूप में संस्कृत किया, जिस रूप में मुझे इंटरप्रेट किया, जिस रूप में मुझे बढ़ावा दिया, वो अद्भुत था। मेरे हालांकि परिवार के सदस्य हैं, मेरे बड़े भाई हैं, किंतु इन सबसे हटकर के उन्होंने बहुत निष्प्रिय भाव से, अनासक्त भाव से मेरे व्यक्तित्व को, मेरे कहानीकार को, मेरे साहित्यकार को उभारने में उन्होंने जबरदस्त योगदान दिया, और मैं इमोशनली इंटेलेक्चुअली इस बात को कभी नहीं भूल सकता। राधाराम जी, मैं आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू मुझे आपने अपनी उन स्मृतियों से जोड़ दिया। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। थैंक यू। की उन बातों को अब मतलब करीबन 30 साल से तो ऊपर का टाइम हो ही गया है ना, बड़े 85 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं, 20 में है हम, अगली शताब्दी के, तो इतना एक बड़ा अंतराल गुजरा है, पर जो प्रभाव रहते हैं ना बड़े गहरे रहते हैं। तो एक और एक चीज बताऊं मैं आपको इसमें, एक संदर्भ कैसे जुड़ता है, तो उन्होंने ये देखा उस जो मेरी थोड़ा बहुत जो अंग्रेजी के प्रति अनुराग था है ना, अंग्रेजी जानते कम थे लेकिन प्रभावित ज्यादा थे उससे, और वो पूरा आधुनिकतावादी सोच जो इस तरह का था, तो उसको उसको जो है, उस हमारी जो एक तरह की वीकनेस थी उस समय, आज मैं देख सकता हूँ वो एक तरह की कमजोरी थी, वीकनेस थी, नहीं होना चाहिए था, खुलापन नहीं था हमें है ना, और वो अवरोध था हमारे सीखने में। तो
तो उन्होंने उसको ही ताकत बनाया, उस हमारी जो अंग्रेजी का थोड़ा बहुत हमें ज्ञान था उसको उसको ही ताकत बना लिया सिखाने की, और उसी से संदर्भित किया चीजों को। तो इससे जुड़ी एक बात मैं बताऊं आपको कि हिंदी में मैं देखता हूँ हिंदी साहित्य जो पढ़ाया जाता है, मैंने फॉर्मल हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है, स्कूली पढ़ाई नहीं की मैंने हिंदी साहित्य की, हम तो वैसे ही घुसपैठ ही हैं इस मामले में। तो मैं देखता हूँ अभी भी कि उसको एस्थेटिक्स से सौंदर्य शास्त्र से नहीं जोड़ पाते। पहली बात तो मतलब ज्यादातर करिकुलम में है ही नहीं सौंदर्य शास्त्र, काव्य शास्त्र है। अब काव्य शास्त्र का सौंदर्य शास्त्र कोई रिश्ता बनता है नहीं बनता है, कैसे बनता है क्या है, ये नहीं होता। और अंग्रेजी में आप देखेंगे अंग्रेजी जो करिकुलम है पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन जो लिटरेचर पढ़ाते हैं उसमें जगह जगह सौंदर्य शास्त्र को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने वाले नहीं जोड़ पाते थे उसको कि क्रिटिसिज्म का सौंदर्य शास्त्र से रिश्ता क्या बनेगा, पोएट्री एप्रिसिएशन का या मतलब फिक्शन के एप्रिसिएशन का क्या रिश्ता क्रिटिसिज्म से है, और फिर क्या रिश्ता उसका आगे जाके एस्थेटिक से बनेगा। ये एक बड़ा मुश्किल सवाल था, और ये हम मतलब हमारी अच्छी बात। हाँ तो उन्होंने ये प्रकाश जी की देन है ये मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हाँ कैसे सौंदर्य शास्त्र एक प्रमुख चीज है और सब कलाएं से जुड़ी हुई है। बहुत तब मुझे जो है हाँ अच्छी बात मुझे है, अच्छी बात है। आप जो कला शिक्षा लिखते थे उसको समझने में मुझे एक सहूलियत हुई कि इसमें वाह एक क्या बात, हाँ एक ज्ञान अनुशासन अच्छी बात, जो जोड़ा हुआ है जो जो जोड़ने वाला सूत्र है ना। मैं मान ली बहुत बड़ी साहित्य का बात, विद्यार्थी मेरे कला समीक्षा पढ़ सकता हूँ क्योंकि इनमें बिल्कुल बिल्कुल एस्थेटिक इज कॉमन, एस्थेटिक कॉमन है और जी सारी कलाओं में। जी तो जी उन्होंने जैसे जी जी उन्होंने कहा ललित कला और कविता इस सब वाह में जो सामान्य जो चीज है, तमाम ललित कलाएं और दूसरी कलाएं इस सब में जो कॉमन चीज है वो सौंदर्य है, और वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है विधा के अनुरूप, विधा के अनुरूप उनमें बदलाव होते हैं ना। तो जैसे साहित्य में जो बदलाव आता है वो फिर काव्य शास्त्र हो जाता है। मतलब ये जो बड़ी मोटी सी बात है ऐसा लगेगा, और मतलब मैं बता रहा हूँ आपको मेरा अभी भी युवाओं से संपर्क रहता है, जैसे मैं उस समय एक चित्रकला का जो सारा विकास हुआ राजस्थान राजस्थान में में और विकास बाहर हुआ विकास हुआ, उससे प्रकाश जी बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। और उस जमाने में जब यूनिवर्सिटी जाते थे तो अमेरिका से एक स्टूडियो पत्रिका निकलती थी, उसके रेगुलर नोट्स लेते थे। और मेरे ख्याल में राजस्थान में जो आधुनिक संवेदना है चित्रकला की, पेंटिंग की और साहित्य की, उसको जिस रूप में प्रकाश जी ने ग्रहण किया, जिस रूप में संप्रेषित किया, वो अद्भुत था। हेमंत जी से मेरी अभी इसी प्रोग्राम से पहले जो कौन से बात हो रही थी, मैंने बताया इनको जी 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 कि ललित कलाएं और सौंदर्य शास्त्र एग्जैक्ट टाइटल जी बोल रहा हूँ, वो लेख उन्होंने मेरे को दिया था घर बुला के दिया था, और वो प्रिंटेड पेज थे जैसे किसी पत्रिका में पेज वाह नंबर अच्छा डले हुए थे, तो जो जैसे ईपीडब्ल्यू वगैरह ईपीडब्ल्यू पत्रिका जो किसी का लेख छापती थी तो उसके ओ लेख के दस हाँ दस पेज अलग से स्टेपल करके उसको भेजती रिप्रिंट थी, रिप्रिंट रिप्रिंट हाँ ऐसे रिप्रिंट उनको ऐसे किसी ने उनको भेजे थे, तो वो उन्होंने मेरे को दिए। तो हमने अच्छा मीमांसा वो अच्छा लेख ये तो छापा है, मीमांसा की फाइल मिल जाएगा, नहीं पूरा जी लेख जो है इसी पर अच्छा है कि ललित कलाओं में सौंदर्य शास्त्र का जो जो एक सूत्र है अंत सूत्र वो किस तरह काम जी करता है पूरा नहीं ये इसी पर। बहुत अच्छा, हम इसको जारी रखेंगे राजाराम जी। अब ललित कला वाले पक्ष को हम एक बार अलग से फिर लेना चाहेंगे। उसके पहले मैं इनके प्रकाशक और हमारे मित्र और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिशासी श्री रमेश खत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भी जो अपने शब्द हैं प्रकाश जी के संदर्भ में जो स्मृति है उसको संक्षेप में करें, फिर हम भानु जी की तरफ आएंगे। तो रमेश खत्री जी जो इनके प्रकाशक हैं, कई पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हैं, वे कृपया बताएं। सबसे पहले तो आप सबका आभार, जन सरोकार मंच के माध्यम से प्रकाश जी के बारे में कुछ बात कहने के लिए मुझे जोड़ा है, इस लिए भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। रेलके ने एक बात कहा था, लेखन के जरिए लड़ो, दिखाओ कि तुम लड़ रहे हो। प्रकाश जी पूरी उम्र जो भी उनका लेखन है, जो भी उन्होंने लिखा है रचा है, वो उसी के माध्यम से आज हमारे सम्मुख है। हालांकि प्रकाश जी
अभी नहीं है हमारे पास, हमारे साथ नहीं है, वो चले गए हैं, लेकिन उनका लेखन आज भी हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम उनके ऊपर कुछ बात करें, उन्हें याद करें। यही प्रकाश जी की एक बहुत बड़ी खासियत है। प्रकाश जी की करीब करीब 4-5 किताबें हमने छापी और एक किताब अभी और पाइपलाइन में है। लगभग लगभग 10 साल पहले, 10 साल के करीब समय बीता होगा, अब जी। प्रकाश जी से उनका नाम तो मैंने सुना था, उनकी जी। रचनाएं भी पढ़ी थी, लेकिन मैं व्यक्तिशः उनसे परिचित नहीं था। प्रकाश जी को जैसा कि अभी हेमंत जी ने कहा कि मैं आकाशवाणी से भी जुड़ा रहा हूँ, आकाशवाणी में सेवा करता था, तो प्रकाश जी की रचना मुझे मधुमति में कहीं पढ़ने को मिली और वहीं से मुझे उनका पता भी मिला, टेलीफोन नंबर मिला, तब मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने उनको उनको वहां बुलाया, तो वो पहली मुलाकात थी। उस समय मैंने प्रकाशन का काम शुरू नहीं किया था, प्रकाशन का काम तो काफी बाद में शुरू हुआ, काफी बाद में शुरू हुआ। हम लेखक के तौर पर मिलते रहे, काफी समय तक मिले, वो एक नए व्यक्ति से भी इस आत्मीयता से मिलते थे कि ऐसा लगता था कि हम बरसों के से मिले हुए हैं, बरसों से मिले हुए हैं, बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। जब मैंने प्रकाशन का काम शुरू किया तो प्रकाश जी ने सबसे पहले मुझे फोन किया कि यार मेरी एक किताब आप छाप दो, एक कविता संग्रह उन्होंने दिया मुझे, एक छूटी हुई स्मृति गंध, तो हमने सबसे पहले उनका कविता संग्रह छापा, हालांकि वो पहले प्रकाशित हो चुका था कहीं से, तो जब वो किताब छप के गई तो वो बहुत प्रसन्न हुआ कि बोले यार मैं इसके गेटअप मेकअप इसके प्रोडक्शन से बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने तुरंत मुझे एक दूसरी किताब दी, गहरे पानी पेट, आलोचना की किताब थी और वो अलग तरह की आलोचना की किताब थी। मैंने उसे पूरा पढ़ने के बाद उसकी पांडुलिपि राजा राम जी को दी थी, राजा राम जी ने उस पांडुलिपि को पढ़ने के बाद राजा राम जी का ये कहना था कि यार ये तो एक अलग तरह की आलोचना है, और राजा राम जी ने एक आलेख लिखा था, मुझे याद है स्मृति है कि राजा राम जी ने एक आलेख लिखा था जो समय माजरा में छपा था, जो हम किताब छाप रहे हैं उसके बारे में आलेख लिखा था राजा राम जी। उसके बाद एक किताब और आई उनकी जिसे हमने छापा, हैंड्स अप हिंदुस्तान, उसमें दो लंबी कविताएं थी उनकी, एक तो हैंड्स अप हिंदुस्तान और पटाक्षेप 555, दो लंबी रचनाओं को लेकर एक किताब बनी थी। फिर एक किताब और उन्होंने दी और उस किताब को देख के, उसके कलेवर को देख के मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। वो किताब थी आर्ट एंड अदर डिसिप्लिन्स, अंग्रेजी में लिखी हुई किताब थी, उनके अलग अलग समय के लिखे हुए आलेख थे और उसमें जो भी चित्र थे वो चित्र भी उनके खुद के ही बनाए हुए थे, और उनका आग्रह ये था कि रमेश जी अगर इन चित्रों को, मेरे चित्रों को आप अगर उपयोग कर सको इस किताब में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा हम जरूर करेंगे। जब और गहरे पानी पेट की जो बात आप बता रहे हैं वो बहुत ही मूल्यवान पुस्तक है उनकी, बहुत मूल्यवान, और उसमें उन्होंने वैदिक संदर्भों से लेकर के आधुनिक कविता तक की पूरी यात्रा उसमें समाहित है, वो लेख अद्भुत है। विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा उषा सूक्त पर जो उन्होंने अपनी कमेंट्स किए हैं, और ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे पहली कविता है वो उषा सूक्त, और उन्होंने इस बात को भी जोड़ दिया है कि वाल्मीकि की जो कविता है रामायण उससे अलग, उसको एस्टेब्लिश किया है कि पोइट्री के रूप में उषा सूक्त जो है वो एक कविता, बड़ी कविता है। तो ये मैं उसी पे आ रहा था कि जो साहित्य में ये चलता है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उसको तोड़ा है उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा है कि ये वो उस गहरे पानी पेट के आलेख में वो कहते हैं कि ये तो हमने वाल्मीकि को आदि कवि मान लेने के कारण ये मान लिया है, जबकि कभी भी कहीं भी आह से गान नहीं उपजता उसके संदर्भ में, वो पूरा संदर्भ देते हैं बहुत बहुत ही गहराई से, और एक आलोचना को एक अलग अलग दिशा देते हैं। नहीं नहीं बहुत बड़ी बात है कि प्रकाशक जो है लेखक की रचना के साथ आत्मीयता से आप टिप्पणी कर रहे हैं,
क्योंकि अक्सर देखा ही जाता है कि प्रकाशक हमेशा जो है वो लेखकों को एक तरह से मोहरा ही मानते हैं अपनी सिद्धि का। किंतु यहाँ मैं भानु भारवी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने सबसे पहला स्मृति लेख प्रकाश जी के अवसान के तत्काल बाद मधुमति में लिखा था, और उनके जीवन परिचय को उन्होंने और भी जगह प्रचारित प्रसारित भी किया। तो और अपनी खुद की संपादित पत्रिका में भी प्रकाश परिमल जी के संदर्भ में उन्होंने ऑब्विचुअरी लिखी, आगे भी वो लेख लिख रहे हैं। श्री भानु भारवी, आप कुछ कहिए प्रकाश परिमल जी के संदर्भ में। धन्यवाद हेमंत जी। सबसे पहले तो मैं इस परिसंवाद में मुझे प्रतिभागी बनाने के लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और जन सरोकार मंच का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रकाश परमल जी मेरे लिए अग्रज के समान थे। उनसे मेरा परिचय लगभग 5 दशक से है। उनका नाम, जब वो बीकानेर में थे, खूब सुना करते थे। उनकी मैत्री की चर्चा भी हुआ करती थी। नंदकिशोर जी हैं, हरीश भादानी जी हैं, इनके साथ इनका बड़ा संगम हुआ करता था। कहते हैं, रात्रि को जब रानी बाजार के दुकानदारों के शटर गिर जाया करते थे, तब उनकी सीढ़ियों में इनकी संगोष्ठी हुआ करती थी। तब वे गली मोहल्ले की बातों से लेकर के साहित्य की अत्यंत गहन गंभीर चर्चा तक किया करते थे, और इस चर्चा के दौरान ये पता ही नहीं चलता कि कब रात्रि का अर्ध प्रहर होने जा रहा है। प्रकाश जी महान संवेदनशील आदमी थे। जयपुर आने के बाद विगत 25 सालों में कई बार मैं देवनगर भी गया और उनसे मुलाकात हुई। वो अपने ऊपर वाले कमरे में मुझे ले जाते और मेरी रचनाओं को बड़े प्रेम से सुनते, और उसमें जो कमियां रहती वो मुझे बताया करते थे, तथा अपनी उपलब्धियों के बारे में भी मुझे बताया करते थे। वो हमेशा छोटे कवियों को, छोटे लेखकों को हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। जब वो पद्मावती कॉलोनी आ गए तो उनसे बड़ी गहनता और हो गई। कई गोष्ठियां उन्होंने अपने निवास पर रखी। उस गोष्ठियों में भी अधिकांश में उन्होंने मुझे संचालन का अवसर दिया। वास्तव में एक किताब जो लास्ट में आई थी, जब प्रकाश जी गजल की ओर बढ़े थे, रंगे हयात एक किताब थी, तो उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट मुझे दी। जब स्क्रिप्ट दी तो भानु बोला, देखो आप इसको, और इसको छपाना चाहता हूं मैं। तो फिर मैंने मेरे प्रेस वाले से भी कहा, तो उसको छपा करके एक दो बार उनको प्रेस भी विजिट कराई, और उस छपा करके जब मैंने दिया तो बड़ी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। एक बार मैं रहीम कबीर तुलसी पर काम कर रहा था। उनके ऐसे सौ सौ पद जो लोक अनुशासन को प्रेरित करते हैं और उनमें लोकोक्ति और मुहावरों का उपयोग हुआ है, उनका चयन करके मैंने नई कविता में उनको ढाल करके दासत्रयी त्रिशतक नाम से एक संग्रह तैयार किया, अनुवाद करके। तो मैंने उनसे कहा, वैसा इसमें आप मेरा भूमिका लिख दें। तो पहले तो उन्होंने आधे पौन घंटे 1 घंटे तक अनुवाद के बारे में चर्चा करी और अनुवाद की सारी बारीकियों से मुझे अवगत कराया। फिर उस जाकर के जब मैं उनको स्क्रिप्ट दी मैंने, तो उन्होंने उस पर अपनी भूमिकाएं लिखी, और मैंने भी उनसे निवेदन किया था, साहब आप में मार्गदर्शन चाहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इसमें यह नहीं समझना कि भानु आया है इसलिए उस कविता को सराहना दें। तो उन्होंने वास्तव में व्यवहार रूप से उस किताब में अपनी टिप्पणी की, और 300 पेज की किताब पर मैंने उसको प्रकाशित करके उनके चरणों में भेंट की। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य को बड़ा समृद्ध किया है। वे अपने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। हिंदी साहित्य में उनका मतलब, जिस तरह से आज उनके अवदान की बात हम करने जा रहे हैं, तो अवदान एक शब्द का जो अर्थ है उसके पीछे व्यक्ति विशेष की बहुआयामी अवदानों को चर्चा में लाना पड़ता है। तो प्रकाश जी ऐसे बहुआयामी व्यक्ति थे जिनकी अनेक चीजों में महारत हासिल थी। जैसे संपादक संपादन में थी उनकी, कविता में थी, नाट्य में थी, उपन्यास लेखन में थी, निबंध में थी। इसके अलावा भी वो शोध शास्त्री थे, चित्रकला में उनको थी, कला समीक्षक, नाट्य लेखक, वेद विज्ञानी, इतिहासविद
और पुरातत्वविद के रूप में उनको हम याद करते हैं। अब इनकी आगे हम चर्चा करें तो वास्तव में एक विशाल ग्रंथ तैयार हो सकता है, लेकिन हम अगर आप चाहें और अनुमति दें तो उनके एक संक्षिप्त में इन चीजों के बारे में उनके अवदान को इन बिंदुओं पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। हम वापस परिमल जी की कविता पर ही लौटना चाहते हैं। हमको ये लगता है कि परिमल जी के ऊपर वैसे तो किसी का प्रभाव नहीं है, किंतु उनके ऊपर दो कवियों का प्रभाव मुझे ज्यादा नजर आता है उनकी रचनाओं में, एक तो अज्ञेय जी का और एक मुक्तिबोध का। तो अज्ञेय और मुक्तिबोध यद्यपि दोनों कविता के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव जैसे हैं कविता की अपनी अप्रोच में, किंतु फिर भी अज्ञेय जी के जहां तक प्रसंग का बात है, अज्ञेय जी ने उनकी रचनाओं को छापा भी, नया प्रतीक में भी उनका एक लेख छपा, और इसके अलावा फिर दिनमान में भी उनका एक छोटा सा लेख उन्होंने जो कविता और अन्य कलाओं के ऊपर था वो भी छापा। तो मुझे लगता है कि अज्ञेय जी की कविता का एक बड़ा गहरा प्रभाव, अज्ञेय जी की कविता का उनके ऊपर गहरा प्रभाव था। इसके बावजूद भी प्रकाश जी ने अज्ञेय जी वाला रास्ता नहीं अपनाया जैसा कि कुछ अन्य कवियों ने, हमारे यहाँ के जो प्रसिद्ध कवि हैं उन्होंने जैसे अनुकरण का रास्ता, अज्ञेय जी का लगभग अनुकरण करने का रास्ता अपनाया, उस तरह से वो रास्ता प्रकाश जी का अपना रास्ता था। दूसरी बात ये थी कि अपनी कविता के संबंध में, अपनी रचना के संबंध में जितने अच्छे प्रवक्ता परिमल जी थे, मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य में किसी ने अपनी रचनाओं के संदर्भ में, अपनी रचना प्रक्रिया के संदर्भ में इतने विस्तार से नहीं लिखा। आप आश्चर्य करेंगे कि कई बार तो उनकी रचना से भी बड़ी उनकी भूमिकाएं हैं। I agree. तो वो एक स्पेशल बात है जिसमें कि उनकी कविता की उसकी 20-20 पेज की भूमिकाएं होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा ये उस समय इसका अर्थ समझ में नहीं आता था मुझे, लेकिन अभी पता लगा कि ये शोधों के लिए और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट वो छोड़ गए पीछे से अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि राजा राम जी, आप उनके कवि पक्ष पे बात करें, उसके अलावा उनकी गद्य रचनाओं के संदर्भ में भी मैं आपसे कुछ चाहूंगा कि अगर आप उनके वैदिक विज्ञान संबंधी लेख और उनकी सौंदर्य शास्त्री दृष्टि उसके संदर्भ में अगर कुछ और जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। इस पर जो मैं पहले तो जहाँ रमेश जी ने बात शुरू की थी उसको ही थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि इनकी जो अड़से बात पहले जो प्रकाशन हुआ होगा वो तो आपकी सुख जी की जानकारी में होगा, लेकिन इधर जो प्रकाशन हुआ, मतलब जैसे कि मेरा बात के दर में बड़ा एक विडम्बना ये रही कि जब मैं भरतपुर में था मेरा उनसे पत्राचार था, और जब मैं जयपुर आया करता था तब मैं इनके देवनगर इनसे मिलने जाता था, कोशिश करता जब भी मैं 2-3 दिन रहता तो एक बार प्रकाश जी से मिलूं, उनकी काफ़ी चिट्ठियां मेरे पास थी, और जब मैं अखबार दिशाबोध निकालता था तो वो चिट्ठियां दिशाबोध में छाप देता था, तो उसमें छपी हुई चिट्ठियां बस मिल जाएंगी, मैं ढूंढूंगा उनको, जो मतलब अखबार प्रतिक्रिया के साथ वो अपने विचार भी रखते थे। तो पर जो है मतलब उनके खुद के लेखन कर्म पर बहुत बात कम होती थी, क्योंकि मैं तो ज्ञान के फिराक में जाता था और सवाल मेरे दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते थे, तो मैं उन्हीं की बात करता ज़्यादा, क्योंकि मैं कि शास्त्रीय संगीत को कैसे समझें या जो जो क्लासिकल नृत्य है उसको कैसे समझा जाए, तो इस तरह की चर्चाएं होती थी। तो वो अपने उनके रचना कर्म के बारे में तब तक मैं उस तरह आलोचक की भूमिका में आया भी नहीं था, और आया तो मुझे जैसे उनका ये पक्ष पता नहीं था कि वो कविताएं लिखते हैं, बिल्कुल पता नहीं था। तो बहुत बड़े अरसे बाद मुझे जब उनका एक बार फोन आया कि मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं और पूरा एक संकलन में प्रेम कविताओं का और प्रकाशित कराना चाहता हूँ, तो और मैं चाहता हूँ कि तुम उनको पढ़ो, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ आपको आपके दर्शन करने, यही बिल्कुल यही संकलन है। तो वो जो है ये रमेश जी उन्होंने डाक से भेजा था,
वो तो आप देखे गए थे पांडुलिपि उसकी, पर ये प्रकाश जी का डाक से भेजा हुआ मेरे घर पर और बड़े गुस्से में आके भेजा उन्होंने। क्योंकि आदरणीय एक छोटा सा निवेदन ये है कि प्रकाश जी ने 50s के बाद में हिंदी की जो नई कविता की संवेदना है उस पर लिखना शुरू कर दिया था, और लहर और वातायन में उस समय उनकी इतनी अधिक कविताएं छप गई थी कि राजस्थान में मणिमधुकर, ऋतुराज और विजेंद्र के अलावा और किसी की इतनी अधिक कविताएं नहीं छपी। ही इज द बेस्ट नोन पोएट फ्रॉम राजस्थान उस जमाने में 50s में 60s में, न केवल उनकी कविताएं छपी बाहर की पत्रिकाओं में, कल्पना वगैरह में भी, ज्ञानोदय में भी, लहर में भी, कल्पना में भी अधिकतम कविताएं छपी। कविता की आलोचनाएं उन्होंने लगातार की और संगोष्ठियों में लगातार आधुनिक काव्य और संचेतना को लेकर के उन्होंने लगातार वक्तव्य दिए, बल्कि वातायन के अधिकतर जो विशेषांक निकले उसमें प्रकाश परिमल का ही संपादन होता था। सारे जो नई कविता से या नई कहानी से, नई आलोचना से संबंधित जितने भी आलोचना के लेख निकले उसमें प्रकाश जी का संपादन था। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थानी कविता जिसके बारे में आज बहुत सारे क्लेमेंट्स पैदा हो गए, उसकी बिगिनिंग, मॉडर्न राजस्थानी पोएट्री की बिगिनिंग प्रकाश परिमल ने राजस्थान भारती से शुरू की, और तेज सिंह जोधा जैसे कविता कवि को पहली बार प्रकाश जी ने इंट्रोड्यूस किया और उनकी डीट पत्रिका में राजस्थानी में उन्होंने एक प्रसिद्ध चित्रकार जयपुर के ज्योति स्वरूप पर उन्होंने उस पर एक लेख लिखा जो अद्भुत लेख है। तो जहां तक कविता का सवाल है, प्रकाश जी राजस्थान के अग्रणी, सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक परिचित कवियों में, इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स में प्रकाश जी का नाम आता है। किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रकाश परिमल के कवि के रूप में अवदान को आज तक किसी ने सीरियसली नोट नहीं किया, जबकि ऋतुराज और विजेंद्र लगातार कहते रहे। मणिमधुकर उनके बहुत परम साथी, साथ के दोस्त थे, जो प्रकाश जी को एक बहुत बड़ा कवि मानते थे। प्रकाश जी को यदि आज किसी रूप में जाना जाएगा तो एक पॉइंट के रूप में ही जाना जाएगा और एक आलोचक के रूप में ही जाना जाएगा। इसके अलावा रिसर्चर थे, लोग मर्मज्ञ थे, पेंटिंग्स पर उनकी समीक्षाएं अद्भुत तरीके से वो पेंटिंग बनाते थे और वो यारों के यार थे। यानी उन्होंने अपना सारा जीवन कविता के लिए और कवियों के लिए और साहित्यकारों के लिए दे दिया और उनको कुछ भी नहीं मिला उसके उसके। यदि हम सोचें कि यदि किसी प्रकार की उपलब्धि की बात करें तो वो देट वॉज ही वॉज नॉट प्रैक्टिकल। तो मेरा निवेदन यह है कि प्रकाश जी का समग्र जीवन समर्पित रूप से साहित्य को समर्पित था। थैंक यू लॉर्ड कि वो किसी भी ग्रुप में या किसी भी लेखक संघ के साथ नहीं हुए। अगर किसी कहीं भी वो, क्योंकि आप ये आश्चर्य करेंगे कि अभी लोगों ने ये कहा कि साहब हम उनको जनवादी लेखक संघ में लेना चाह रहे थे। तरीक बात है, हम प्रगतिशील लेखक संघ में उनको किसी संगठन के साथ, वो किसी संगठन के साथ नहीं थे किंतु स्वायत्त रूप से एक स्वतंत्र चेता साहित्यकार के रूप में घर में बैठ के चुपचाप, जैसे पुराने ऋषि जिस तरह का काम किया करते थे, कहीं किसी गोष्ठी में जाते हुए उनको नहीं देखा गया पिछले 20 वर्षों में। एक दो अनौपचारिक पारिवारिक संगोष्ठियां हो उनकी बात दूसरी है, लेकिन वो साहित्य की राजनीति से हमेशा दूर रहे। उनका पत्राचार हुआ है। अच्छा, मुक्ति बोध से संपर्क था, पत्राचार हुआ उनका, मुक्ति बोध से पत्राचार हुआ है। विशेष रूप से रंग बोध की कविताओं को लेकर के उन्होंने मुक्ति बोध से बातचीत की है, और कंसर की कविताओं को लेकर जिसमें कलर की चेतना थी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है उसका। राजाराम जी, मैं ये चाहूंगा कि आप कृपया उनका अगर कोई संकलन आपके आपको पुस्तक देना चाहता हूँ, फिर उपस्थित रंग, ये अनुभव प्रकाशन ने प्रकाशित की है, और फिर उपस्थित रंग में रंग चेतना की कविताएं हैं। हम लोग रंग चेतना के कवियों के रूप में शमशेर आदि को मानते हैं कि भाई शमशेर जी ने रंग चेतना अपनी कविताओं में उपस्थित की, लेकिन ये जो कविता संग्रह था ये भारतीय ज्ञानपीठ से एक बार 50-60 के बीच में ये एक बार स्वीकृत हो गया था, और इसका शीर्षक जो था उन्होंने रखा था रंग धनु। तो रंग धनु ये प्रकाशन होने से पहले ही किसी कंफ्यूजन के कारण उन्होंने वापस मंगवा लिया था वहां से, और अनुभव प्रकाशन ने बाद में इसको अभी अभी प्रकाशित किया। मेरे पास इसकी एक प्रति उपस्थित है, तो मैं चाहूंगा कि 18-19 में आया था ये। हाँ, 18 का है ये, 2018 का है उपस्थित। ये 60s के आसपास लिखा हुआ है, ये 60 के आसपास लिखा हुआ है। हाँ, ये कविता 60 के आसपास की लिखी है। तो रंग चेतना की कविता। हाँ, मैं ये हेमंत जी आपसे फोटोकॉपी करा लूंगा इसकी, पर मेरी बात नहीं, मैं जी कि मैं
मैं उनके बारे में कोई जजमेंट नहीं दे रहा परमल जी के, जी जी है ना, जजमेंट नहीं दे रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या थे, लेकिन जब हम लोगों ने होश संभाला और हम साहित्यिक परिदृश्य में आए तब तक प्रकाश जी नेपथ्य में जा चुके। मैं अशोक जी की सत प्रतिशत बातों सहमत हूँ कि उनका झंडा बुलंद होगा किसी समय, लेकिन हम जब आए केवल ये कर रहा हूँ कि सभी लोगों का शायद यह कर्तव्य है, विशेष रूप से आलोचकों का, कि वो कुछ पीछे मुड़कर की भी देखें, जो साथ के लोग हैं आगे के लोग हैं। समय मैंने होश संभाला है, जयपुर में मुझे भी करीब 20 साल हो गए अब, है ना, मैंने कहीं किसी, जैसे हेमंत जी कह रहे 20 साल से कहीं आते जाते नहीं थे, सच बात है, कहीं आते जाते नहीं देखा उनको, है ना, वो घर पे ही काम करते थे, मैं ही उनके घर गया हूँ या मेरी फोन से बात हुई है, ना ये सब हुआ है। और उस समय जो आप कह रहे हो आपकी बात सत प्रतिशत सही है, हरीश जी से हमारे अच्छे ताल्लुक रहे और हरीश जी के संस्मरणों में बाता इनके सदनों में उनके मतलब वो जगह जगह मौजूद है ना, हरीश जी ने कभी उनके महत्व को छुपाया नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ वो उनके साथ हमने खूब रात्रिकालीन बैठकें की हैं और वो प्रकाश जी को बहुत सम्मान से याद करते थे, आचार्य जी बहुत सम्मान से याद करते थे, लेकिन ये यहाँ हमने अब सुनी है, मतलब हरीश जी सुनी बाद में सुनी, वो जमाना हमने देखा नहीं था जिसकी आप बात करें, बिल्कुल उस समय थी तो थे, तो वो नेपथ्य में जाते गए और उनको वापस से सेंटर में लाने का काम लोगों ने नहीं किया, उसमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन जब उन्होंने इसी, जब मैं कर रहा हूं ये संकलन 71 में आया हुआ है, पहली बार ये संकलन ये देखिए उनके पहली बार ही भूमिका है और उसमें समय डाला हुआ है, दो भूमिका है इसमें, इसमें जो पहली भूमिका है जो प्रेम कविताओं का, ये देखिए सन 71 की है, और दूसरा वाला रमेश जी ने छापा है जो ये वर्जन है ना 71 में, और इसमें फिर उन्होंने जब उन्होंने बाद में जो कहा था मैं चाहता हूं कि आप इसकी भूमिका लिखो, तो मैंने अपनी असमर्थता जाहिर की है इसकी, जैसे कि आपने कहा है उन्होंने खुद इसकी भूमिका लिखी है, और इसमें जो भूमिका लिखी है उसमें वो पूरा प्रेम कविताओं का जो कॉन्सेप्ट है उस समय जो था होना चाहिए, संस्कृत में जो राज सबकी बात करते हैं, और यहाँ वो भावबोध, भावुकता और भावबोध का डिफरेंस बताते हैं कि कैसे प्रेम कविताएं भावुकता से मुक्त हों और उनमें भावबोध हो तो कैसे आए, इस तरह का, तो ये जो एक इनकी कविता का एक कॉन्सेप्ट है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कविताएं भी बहुत कम पढ़ी है, अभी बहुत कम पढ़ी है, उस समय तक कम पढ़ी थी, अब मैं दूसरे उस पर आता हूँ, गहरे बहुत संक्षेप में बात कर दूंगा, गहरे पानी पैठ की पांडुलिपि छपने से पहले रवि जी ने मेरे को दी, क्योंकि मैं इनसे मैं अकेला आदमी था जो तमाम मंचों पर ये कहता था कि राजस्थान में कोई, और इसके मैं आपको अशोक जी एक दर्जन गवाह बता सकता हूँ, मौजूद है एक दर्जन गवाह अभी भी इस शहर में, वो एक गवाही दे देंगे कि राजाराम भादुई था जो अनेक मंचों से कहता था कि इस शहर में एस्थेटिक्स पे संस्कृत के साहित्य को हिंदी साहित्य से जोड़ने वाला और खुद आलोचना पे आधुनिकता पे आधुनिकता पे गंभीर बात करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई विद्वान है, वो प्रकाश परमल जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है। ये बात मैंने दर्जनों बार मंचों पर उठाई है, कम से कम एक दर्जन गवाह मैं उसके कर सकता हूं आपके लिए, है ना, तो ये चर्चा मैं इनसे कर चुका था रमेश जी से, आवाज आ रही सर मेरी, रमेश खत्री से ये चर्चा मैं कर चुका था, इसलिए इनको याद थी ये, और तब ये पांडुलिपि मेरे पास लेके आई कि आपको इस पर लिखना है, चाहे ब्लर्ब लिखे भूमिका लिखे कुछ भी लिखे। मैंने कहा देखिए इस पे जिस तरह की किताब है, इतनी गंभीर किताब है, इस पे भूमिका लिखने लायक भी क्षमता नहीं, ब्लर्ब में लिख दूंगा और उसको आप चाहें तो बना नाम के भी दे सकते हैं, क्योंकि नाम मैं आपके स्टैंड से सहमत हूँ, मौजूद है पढ़ लीजिए, और वो किताब उनके उनके जीते जी आ गई थी, है ना, उनको पता था मैंने लिखा है, उनका फोन आया मेरे पास, और मैंने कहा एक बड़ा लेख भी लिखा है मैंने जो समय माजराम छपा हुआ कॉपी है, मेरे पास नहीं है पर वो छपा हुआ है, और पूरा लेख अलग से लिखा मैंने, और वो छप चुका है, और मैंने लिखा है कि किताब छपने से पहले लेख लिख रहा हूँ, इस तरह का। ये तो एक बात है, अब दूसरी बात पाते हैं, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है उसमें हेमंत जी की, उसमें एक तो उन्होंने ये उस किताब में उषा सुक्त वाली बात की है जिसकी चर्चा हो चुकी कि उषा सुक्त को वो आदिकालीन कविता मानते हैं, आदि कविता, आदि कवि, आदि कवि और आदि कविता की हमारी धारणा हम सब जानते हैं कि क्रौंचवध से चली है, वो कहते हैं नहीं उससे पहली है, तो एक तो उषा सुक्त, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने उस किताब में एक लेख है विजय देव नारायण साई पर,
और साई को उन्होंने असफल कवि कहा है। मेरा कहना यह था रमेश जी को मैंने कहा कि ये जरा ये लेख पता करना चाहिए छपा था कि नहीं, ये चिट्ठी में छपा था नंद किशोर जी ने जब प्रवेशांक निकाला था उसका सन 70-71 में, फिर बाद में एक संकलन में भी शामिल हुआ ये लेख जो है ना इनका, एक एक पुस्तक में जो निबंध की पुस्तक है उसमें ये था कि मछली घर के ऊपर जो उनका संकलन था वो उसमें छपा था। पहली बात है कि जो साई जी पे लिखा है वो अपने आप लैंडमार्क लिखा, आलोचना में साहस, आलोचना में नई चीज को रखना और समय पर रखना, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आखिरी बात यह है कि उसी किताब में जो एक लेख है जो बिल्कुल आज के ऊपर भी मौजूद है, उन्होंने कहा कि हमें हिंदी ने आलोचना विकसित नहीं की है, वो दो दो धाराओं से प्रभावित है और हर दर्जे तक प्रभावित है, एक तो अंग्रेजी की धारा एक संस्कृत की धारा, जबकि हिंदी की अपनी मौलिक आलोचना होना चाहिए, ये थीसिस उन्होंने रखी है जो कि अपने आप में कम से कम मैं तो थीसिस से जबरदस्त रूप से सहमत हूँ। क्या मैं एक बात मेरी बात खत्म हो, आप जो कह रहे थे राजा राम जी, आप आश्चर्य करेंगे कि पूर्व ग्रह का जो शतांक 100वां अंक निकला था उसमें उन्होंने ये लिखा कि रामचंद्र शुक्ल और नामवर सिंह दोनों इस बात के अपराधी हैं, इस ये शब्द लिखा उन्होंने, दोनों इस बात के अपराधी हैं भारतीय समीक्षा में कि उन्होंने पाश्चात्य मानदंडों के आधार पर ही भारतीय साहित्य की और भारतीय परंपरा की तरफ नहीं देखा, और भारतीय परंपरा में जो काव्य शास्त्री हमारे वैदिक सौंदर्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए कि उसमें क्या है, उन्होंने केवल वेस्टर्न कैनन्स के आधार पर ही समीक्षा की, ये बाकायदा उन्होंने लिख करके छोड़ के गए हैं। धन्यवाद, ये छपा हुआ लेख है भानु, संस्कृत धारा से भी उतना ही मुक्त करने की बात करते हैं हिंदी की आलोचना को, ये बिल्कुल ठीक है। उसको उसको स्वायत्त होना चाहिए है ना, अपने हिंदी स्वतंत्र भाषा है, हिंदी साहित्य स्वतंत्र है तो उसकी आलोचना स्वतंत्र होना चाहिए, ये उन्होंने थीसिस रखी है उसमें और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तो उसको मानता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है भानु जी, प्रकाश जी का समग्र साहित्य अन्वेषणा और गवेषणा का साहित्य रहा है, ये चीजों के तह तक जाकर उनके गूढ़ात्मक अर्थों को खोज निकलते हैं। जिस प्रकार एक पत्रकार खोजी पत्रकार कहलाता है, उसी प्रकार हम प्रकाश जी को एक खोजी साहित्यकार भी कह सकते हैं। उनका गद्य साहित्य इसी शोध अनुसंधान और गवेषणाओं का रहा है। वे दर्शन शास्त्री थे और मनोविज्ञान विषय पर उन्होंने लेखन किया, परामानव विज्ञान पर, न्याय शास्त्र पर, पॉजिटिविज्म पर आपने तुलनात्मक शोध भी किया है। एक श्रेष्ठ संपादक थे, अनेक पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है, वे अपने संपादन के एक उच्चतम शिखर के व्यक्ति थे। साधुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में उन्होंने अनुसंधान प्रकाशन और संपादन का काम किया और इस दौरान उन्होंने बीकानेर के सांस्कृतिक वैभव और विकास एवं पुरातत्व विरासत का काम किया। प्रकाश जी राजस्थान विश्वविद्यालय के परमाणु विज्ञान विभाग में उनकी त्रैमासिक पत्रिका थी, उसका नाम था पैरा साइकोलॉजी, उसका संपादन किया और वातायन के तो संपादक जैसे अशोक जी ने भी बताया थे और उनके संपादन में अनेक अंक वातायन के बड़े स्त्री और निकले। इसके अलावा वो राज्य विद्या प्रतिष्ठान की अग्नि पत्रिका राजस्थान भारती कम से कम एक दशक तक उसके संपादक वो रहे। हिंदी ग्रंथ अकादमी के प्रकाशन में हिंदी ग्रंथ अकादमी अनेक प्रकाशन जो थे उन्होंने हिंदी भाषा का संपादन भाषा संपादन का काम किया। राजस्थान भारती, मानदंड, स्वायत्त शासन आदि साहित्यिक शासकीय पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों का उन्होंने संपादित किया।
एक संस्कृति के अध्येता थे, लोक संस्कृति की उन्हें बड़ी पहचान थी। इस ग्रुप में उन्होंने भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, लोक संस्कृति और भारतीय संस्कृति के नए आयाम, ये बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। इसके अलावा वेद वेद के मर्मज्ञ थे वो, वेदों के, और वेदों के बहुत अनेक आयामों पर उन्होंने अध्ययन करके और अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनमें वैदिक मरुत, वेद के देवता, वैदिक सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, वेदों में व्यावहारिक विज्ञान, भारतीय दर्शन और संस्कृति का मेरुदंड वेद, वेदों में व्यावहारिक विज्ञान, भारतीय तकनीक विज्ञान और वेद, ये ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और इस तरह से उनका एक बहुत ही वेद मर्मज्ञ का एक रूप हमारे सामने आता है जी। कला लेखन में भी उनका बड़ा हस्तक्षेप रहा है। उन्होंने दी न्यू एस्थेटिक कला समीक्षा और 20 मॉडर्न आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान दूरदर्शन पर भी उन्होंने बहुत काम किया, अच्छा लिखा है, आलोचना के विषय पर पूछते वो। और नाट्य लेखन भी उन्होंने किया, उन्होंने पुल नाटक एक लिखा, शायद वो प्रकाशित ही है शायद अभी भी, लेकिन वो नाटक भी एक उन्होंने सुनाया था एक बार, और मेरे पुत्र को भी उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट दी थी कि उसका मेंशन करो, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश वो नहीं कर पाए। राजस्थान के नाटककारों पर भी उन्होंने आलेख लिखे और किताब भी लिखी है उनके बायोग्राफी पे, और राजस्थान के पुराने जो समय के नाटककार थे उन पर प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा उसका बायोग्राफी लिखी है, और वो किताब भी काफी यहाँ नाट्यकर्मियों में रंगकर्मियों में काफी चर्चित रही। अनुवादक तो श्रेष्ठ थे और कई काम उन्होंने अनुवाद के किए। उन्होंने केंद्रीय हिंदी निदेशालय का एक बहुत बड़ा ग्रंथ था जिसमें थे दर्शन के 100 वर्ष, केंद्रीय हिंदी ग्रंथ अकादमी का ग्रंथ था, उसमें दर्शन के 100 वर्ष तथा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के उद्योग संप्रेरणा और मनोबल, इन ग्रंथों का उन्होंने अनुवादन किया। और वास्तव में उनकी तो इस हिंदी साहित्य में उनका मुकाबला बड़ा मुश्किल है, और उनके समकक्ष किसी का नाम हम लेने में थोड़े कतराते ही हैं। और वास्तव में प्रकाश जी अपने आप में अकेले व्यक्ति थे, और जिस तरह से हेमंत जी कह रहे हैं तो प्रकाश परिमल होने के मायने, वास्तव में प्रकाश परिमल के होने के मायने यही है कि प्रकाश परिमल अपने आप में एक अकेला व्यक्ति था, है ना। इसलिए अब मैं लास्ट में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये निवेदन करना चाहूंगा, ये कविता है, घर एक पर्वत प्रेम एक फूल, उसकी एक कविता है जिसका एक अंश मैं यहाँ पाठ करना चाहता हूँ। उनका कहना है, उसने वह किया जो मैंने चाहा, उसने वह किया जो मैंने चाहा, मैंने सब नहीं किया, मैंने वह सब नहीं किया जो उसने चाहा, उसने यह सब किया जो मैंने चाहा, मैंने वह सब नहीं किया जो उसने चाहा, फिर भी वह सब होता रहा जो हमने चाहा। मतलब एक पारिवारिक और दाम्पत्य संबंधों को लेकर के उन्होंने इस किताब, पूरी किताब ही ऐसी है कि मानवीय पारिवारिक संबंध जो है दाम्पत्य के, उसका कई तरह के जो आयाम आते हैं उन सब को उन्होंने उकेरने का प्रयास करा है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रकाश परिमल जी का इतना विराट व्यक्तित्व था, इतना अलग अलग तरह से उन्होंने लिखा है, कई विधाओं में लिखा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो केवल एक यही होगी कि उनकी सारी रचनाओं को लेकर एक ग्रंथावली तैयार की जाए, एक ऐसी योजना बनाई जाए कि ग्रंथावली में सारी रचनाएं उपलब्ध हो, तो यही उनको सच्ची तरह से याद करना होगा। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनको याद कर रहे हैं, उनको याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम एक ग्रंथावली में उनको उनकी सारी रचनाओं को इकट्ठा करें और वो सही तरह से लोगों के सम्मुख आए, पाठकों के सम्मुख आए, ताकि लोग जो अनुसंधान कर रहे हैं, जो हिंदी में रिसर्च कर रहे हैं, कला में रिसर्च कर रहे हैं, जो
आलोचना के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको पता चले कि प्रकाश परिमल जी ने कितने समय पहले कितने आगे की रचनाएं कर दी गई है, यही उनको श्रद्धा सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे हिसाब से, तो यही कहना है मुझे। अच्छा ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी आपकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि अगर इस तरह का काम होता है तो ये तो ठोस काम है, इस तरह का काम होना चाहिए। और इसका और इनको भानु भारवी जी को इनके संपादन का काम दे दो, ये सारा इनका संपादन करें, सब जगह से चीज इकट्ठी करें, क्योंकि रेफरेंसेज इनके पास सारे मौजूद हैं। और एक किताब ग्रंथावली के साथ साथ एक किताब उनके मूल्यांकन को लेकर के तैयार की जाए, और मैं चाहूंगा कि हेमंत जी बहुत अच्छा संपादन करते हैं उस तरह किताब का, उनके अलग अलग लोगों पर लेख लिखवाएं, है ना, आचार्य जी से लेकर के और योगतर जो अमित कल्लारक ऐसे सब लोगों से उनके अवदान को लेकर के विस्तार से, और एक किताब इस तरह की आए जो उनके मूल्यांकन को पर केंद्रित हो, जो उनके अलग अलग पक्षों का मूल्यांकन करती हो। अभी तो बहुत सारे लोग इस तरह के मिल जाएंगे जिनसे जो लिख नहीं पाया था जिनसे इंटरव्यू कर सकते हैं। राजाराम जी बहुत अच्छा सुझाव है, एक पूरी हाँ इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में एक विस्तार से पूरी पुस्तक हम लिखें और उसको रमेश जी छाप। दो सुझाव है, एक तो संपूर्ण ग्रंथावली की आए, दो तीन चार खंडों में जिनके सारे आज तक इसका आ जाए, और मुझे लगता है भानु भारवी जी इस काम को बड़े अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इनके पास क्रोनोलॉजी है, पूरे रेफरेंस की लिस्ट है, और आप सब मदद करेंगे, हम सब लोग मदद करेंगे इनकी, जो भी ये आदेश देंगे हम पालना करेंगे उसकी। और एक किताब के मूल्यांकन पे एक किताब जो है हेमंत जी आप संपादित करें, उसको अलग अलग लोगों से लिखवाएं, संपादन अगर रमेश जी तैयार हो तो हम इसको काम को, रमेश जी हाँ रमेश जी पब्लिकेशन करें पूरा, हम सब काम के लिए तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि राजाराम जी आप कुछ और कुछ कहना चाहें तो कहें, फिर हम अशोक जी को कहेंगे कि वो अपनी छूटी हुई बात को पूरा करें। हाँ देखिए, मुझे यही कहना था बस, एक तो ये सुझाव, ये रमेश जी ने बात छेड़ दी, मैं भी यही सुझाव देने वाला था कि इनकी बहुत अच्छे से ग्रंथावली आए, सारे काम को करके बड़े लॉजिकल तरीके से, और एक हम इनके अवदान पर इनके मूल्यांकन पर एक किताब तैयार करें, इस पर अलग अलग तरह अलग अलग लोग लिखें, आचार्य जी लिखें, दूसरे आचार्य और लोग लिखें, बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं जिनसे जो खुद लिख नहीं सकते उस इंटरव्यू कर लें और उस इंटरव्यू को लिख लें और वो उस किताब में शामिल करें, हेमंत जी बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और उसके ग्रंथावली के लिए एक जैसे जम्मा किसी को देते हैं, मुझे लगता है भानु भारवी जी बड़े व्यक्ति हैं, फिर हम सब लोग टीम रहे और हमें जहाँ ये काबिल समझें या हम लोग लगे कि ये काम हम कर सकते हैं, अशोक जी को सबसे ज्यादा काम करना ही पड़ेगा, तो इस तरह से एक ग्रंथावली वो तैयार। एक सुझाव तो मेरा ये था, और दूसरा सुझाव ये है कि इसको जब ये जो मूल्यांकन वाले जो लेख हैं जो हेमंत जी लिखवाते रहेंगे, जैसे लेख आते जाए उन पे उनको पब्लिक करते जाए, है ना, उन पे बात हो, चर्चा हो, छोटी इस तरह हम लाइव प्रोग्राम कर लें या छोटी जगह बैठ कर बात कर लें कहीं पे भी किसी जगह पे, उसको आधार बना के जो लिखा गया है उसको, तो इस तरह से लगातार उन पे एक संवाद बना रहे, तो वो जब और उसके बाद ग्रंथावली आएगी तो एक बड़ा पाठक वर्ग ग्रंथावली के लिए तैयार हो जाएगा, इस तरह का एक चीज हुआ है। और हम मतलब अपनी अनदेखी का अपनी लापरवाही का पश्चित कर पाएंगे, एक बड़े ऋषि के लिए जिसने हम सबको प्रेरित किया है और हम उनके लिए उतना नहीं कर पाए तो अब उसकी भरपाई कर पाएंगे, तो ये मेरे को आखिर में कहना था। राजाराम जी बहुत ही अच्छा लगा, आपने जो सुझाव दिए वो अपने आप में बहुत यूनिक है और बहुत मायने वाले हैं, और मेरे ख्याल में अब सब लोग मिलकर के पर्सपेक्टिव पर ही चर्चा करें प्रकाश जी के अब तक के कृतित्व और व्यक्तित्व के मूल्यांकन को लेकर के, यदि हम सब लोग मिलकर काम करें तो एक बड़ा काम हो जाएगा। इसी बहाने में थोड़े से कुछ संस्मरण उनके सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत ही मेरे आत्मीयता से मैं उनको याद कर रहा हूँ क्योंकि मैं परिवार का सदस्य हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रकाश जी का जो व्यक्तित्व एक कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, एक चित्रकार के रूप में जो उभर के आया, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, शायद हमने इस पर चर्चा नहीं की है। पहली बात महत्वपूर्ण तो यह है कि जिस परिवार को प्रकाश परिमल बिलोंग करते हैं
वो परिवार विद्वानों का परिवार रहा है, और पिछले 400-500 सालों से ये जो विद्वत परंपरा है जो साउथ से दक्षिण भारत से चली आ रही है, जो हम लोग पेणापट्ट नगर से निकल करके और वहां से होकर के चंदेरी होकर के और राजस्थान में आए, तब के 500 वर्षों का जो इतिहास है, समग्र जो इतिहास है, और इसके साथ में जो पांडित्य की जो परंपरा है, पंच द्रविड़ परंपरा, उसमें समर पोंगल दीक्षित और बाकी लोग थे, और विशेष रूप से शिरोमणि शिवानंद जी गोस्वामी, वहां से लेकर के भूरिषि गोस्वामी और उसके बाद प्रकाश परिमल तक की यात्रा, जिसमें बीच में बहुत सारे लोग आए, उसमें हमारे परिवार में जो सबसे बड़े भाई हमारे भालचंद्र गोस्वामी प्रखर थे, उनको सबसे पहले साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला कहानी दर्शन का। उस समय मैं बहुत छोटा था, मेरी 12-13 साल की उम्र थी, उस समय पहला जो साहित्य अकेडमी का कहानी दर्शन का अवार्ड मिला भालचंद्र गोस्वामी प्रखर को, जो समय असेंबली में काम करते थे, तो वो महत्वपूर्ण अवार्ड था, क्योंकि वो वहां से आगरा से जो साहित्य संदेश जो पत्रिका निकलती थी गुलाब राय की, उस पत्रिका के जो वहां के प्रकाशक थे, वहां से वो प्रकाशन हुआ था कहानी दर्शन। वो सबसे पहला महत्वपूर्ण हमारे परिवार का आधुनिक ग्रंथ था, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य कहानियों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस था, और लगभग 200-250-300 पेज की कहानी दर्शन की किताब थी, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। और मेरे ख्याल में यदि आधुनिक लेखन से और साहित्य से जुड़ाव की बात यदि हम करते हैं, जिससे प्रकाश जी का सीधा संबंध है, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रेरक तत्व यदि प्रकाश जी के जीवन में रहा, तो वो भालचंद्र गोस्वामी प्रखर का ही रहा। बड़े भाई साहब जो सबसे बड़े भाई है, उस परिवार का मैं सबसे छोटा भाई हूँ, और सौभाग्य से हेमंत इस परिवार के ही अंग है, वो हमारे परिवार में भालचंद्र गोस्वामी के सबसे बड़े पुत्र हैं। तो इस परिवार की जो परंपरा है, जो विशद परंपरा है, जिसे काफी लोग परिचित हैं भी नहीं भी हैं, उस परंपरा के सारे जो ट्रेट्स हैं, वो ट्रेट्स प्रकाश परिमल के मानस में आए, शंकर के आए, मामा संगीतकार थे, नानी का परिवार बहुत अच्छा था, और बल्कि समग्र गोस्वामी समुदाय हमारा, जो चाहे वैष्णवाइट हो चाहे साइवाइट हो, एक कल्चरल थीसिस एंटीथीसिस और एक हेरिटेज लेकर के हम राजस्थान में आए, और दक्षिण से एकदम से हिंदी भाषी हो गए, और हिंदी भाषी से संस्कृत छोड़ करके आधुनिक हिंदी में सभी लोग काम करने लगे, तो एक बहुत बड़ी बात, एक बड़ी यात्रा है। ये भी मेरे ख्याल में रिसर्च का एक महत्वपूर्ण अंग है, और तेलुगु तमिल भूल करके हिंदी में हम लोग हैं, तो रिसर्च के एंगल को, शोध के एंगल को भी हम ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि एकेडमिक्स की जो बात आती है, जिसमें प्रकाश जी का विकास हुआ, उसमें प्रकाश जी का जो बचपन था, जो हम बीकानेर से जब जयपुर में आए, तो गांधीनगर में जो झंडा चौक है, जहाँ सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस झंडा चौक के पास में हमारा मकान था, C6 नाम का नंबर का मकान था, चारों तरफ रेगिस्तान फैला हुआ था, और अजमेर गेट से लेकर के और गांधीनगर तक सारा का सारा वीरान एरिया था, उस समय केवल मरुस्थल था, कुछ नहीं था। उस जमाने में स्कूल में कॉलेज में प्रकाश जी पढ़े लिखे, आगे उनका विकास हुआ, किंतु हमारे परिवार के पड़ोस में सूरजराज व्यास नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जिनके पास में सारी पत्र पत्रिकाएं हैं, चाहे धर्मयोग हो, चाहे ज्ञानोदय हो, चाहे दूसरी पत्रिकाएं, सारी पत्र पत्रिकाएं आती थी और सारे पेपर्स आते थे। उनका ये शौक था कि वो कटिंग कर करके और पेपर्स की कटिंग रख के और उनके विजुअल्स और उनके पेंटिंग्स और उनके सब अलग रखते थे। उन पेंटिंग्स को, कलेक्शन को सब बच्चों को बुला करके वो दिखाते थे, और विशेष रूप से चूंकि हमारा परिवार एक इंटेलेक्चुअल्स का परिवार था, सभी भाई इसी में लगे हुए थे, तो सूरजराज जी का विशेष ने बजाय उनको अपने परिवार के लोगों को, वो 24 घंटे हमारी फैमिली से वो अटैच रहते सूरजराज जी व्यास। और उस दौरान में प्रकाश परिमल ने हस्तलिखित तरीके से हस्तलिखित पत्रिकाएं निकाली, और उन हस्तलिखित पत्रिकाओं का नाम था सूर्य किरण। उस पत्रिका में प्रकाश जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सौमित्र, जो खुद एक बहुत बड़े कहानीकार हुए, और कई लोग हाथ से लिखते थे, और उनका जो आर्ट वर्क था उसका, वो तो या तो स्केच करते थे या जो पेपर्स में से, धर्मयुग में से और दूसरे पत्र पत्रिकाओं में से काट काट के उनकी कटिंग लगाते थे, उनका पेस्टिंग करते थे। तो चित्रों की पेस्टिंग से, उस समय की रचनात्मकता से, उस समय के लेखन से, उस समय के आधुनिक संदर्भों से, प्रकाशन से और पब्लिकेशन की जो बेस्ट पॉसिबल जो डायमेंशन से, उस समय प्रकाश परिमल बचपन से ही उन चीजों से जुड़ गए थे, संस्कारित हो गए थे। और चूंकि भालचंद्र गोस्वामी प्रखर एक बहुत दिग्गज साहित्यकार थे, जाने माने आलोचक थे, भगवती चरण वर्मा हो चाहे और बड़े लेखकों, सभी लोग संपर्कों से थे, घर में आया करते थे और उनसे संपर्क था, और रांगे राघव हमारे परिवार में आया करते थे, तो भालचंद्र गोस्वामी वाज ए बिग नेम इन राजस्थान।
सो दैट इज ए प्रिविलेज, मेरे ख्याल में उस प्रिविलेज से प्रकाश जी ने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद संघर्ष किया, स्कूलिंग हुआ, जब यूनिवर्सिटी में आए, जब कॉलेज में आए, तब इवन राजस्थान कॉलेज में जब वो आ गए थे, मतलब जब कॉलेज में आ गए थे तब उनका लेखन शुरू हो गया था। और उस जमाने में उन्होंने हिंदी की प्रयोगवादी कविता के कुछ एक्सपेरिमेंट उस जमाने में किए थे जब इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, और उस समय के रामचंद्र शर्मा सिलीमुख जैसे विद्वानों ने उनको अप्रिशिएट किया था, और वो ही वाज ए मॉडर्न राइटर एट दैट टाइम, जबकि मॉडर्निटी का बिल्कुल प्रारंभिक दौर था 50 के दशक में। तो आप ये मान के चलिए कि प्रयोगवादी कविता या हिंदी की जो नई कविता की जो पूर्वापेक्ष जो एक आधारित जो आधारशिला बनी है, उस समय प्रकाश जी का लेखन समग्र रूप से हिंदी पर आधारित था। उस जमाने में तमाम कवि राजस्थान के या तो तुकबंदी कविताएं कर रहे थे, या मंची कविताएं कर रहे थे, या ब्रज भाषा में लिख रहे थे। हिंदी में लिखने वाला कोई था ही नहीं। मेघराज मुकुल या दूसरे तमाम जो लोग थे वो मंच के कवि थे, चाहे तारा प्रकाश जोशी हो, चाहे मेघराज मुकुल हो, चाहे और कोई हो। तो राजस्थानी में भी जो लिखा जा रहा था वो सारा सारा तुकबंदी वाला लेखन था। प्रकाश परिमल वाज द फर्स्ट पर्सन इन राजस्थान जिन्होंने मॉडर्न पोएट्री का, आधुनिक पोएट्री के स्ट्रक्चर पर काम किया, शिल्प का पर काम किया, और आगे जाकर के आलोचना को समझने के लिए प्रकाश परिमल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रतिष्ठित किया। रघुवंश जैसे विद्वान उनको उनको आदर करते थे, विपिन कुमार अग्रवाल उनको पसंद करते थे, अग्गे से उनका संबंध था, और प्रकाश जी को सब लोग जानते थे, किंतु प्रकाश जी ने कभी भी आगे बढ़ करके अपने व्यक्ति को लेकर के कुछ नहीं किया। और मैं मानता हूं कि दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट प्रकाश परिमल कंट्रीब्यूटेड। देखिए, और जो मुझे जोड़ने की जरूरत पड़ रही है वो ये है कि आज की तारीख में जो साहित्यकार हैं, हमारे नए लेखक लेखिकाएं हैं, वो जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, जिस तरह की सारी जो गतिविधियां आज हो रही हैं, उससे कोसों कोसों क्या मतलब खरबों मील दूर का व्यक्ति जिसको अपनी रचनाओं के प्रति भी मोह नहीं था, एक समय तो ऐसी स्थिति थी कि ये अगर किताबें इनकी छपी हैं तो इनके पिछले 10 साल में ही सारी किताबें छपी हैं, जबकि ये 55-60 के हो चुके थे तब इनकी पहली किताब छपी थी, वो छूटी हुई स्मृति गंध। मतलब आप ये देखिए, अजीब तरह की स्थित प्रज्ञता मैं कहूंगा, या कुछ लापरवाही कहूंगा, या कुछ असंपृक्तता है, या कुछ अपने प्रति बिल्कुल मोह नहीं रखना, ये एक अजीब तरह की धारणा थी उनकी। और ये पारिवारिक सब जगह ये बीमारी फैली हुई है हमारी, तो हम सब लोग इसके शिकार हैं। किंतु मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि जो सुझाव आज आपने दिया है, इस सारी चर्चा की सबसे बड़ी सार्थक बात ये है कि आज प्रकाश परिमल जी का समग्र साहित्य एक साथ 1, 2, 3, 4 जिल्दें जितनी बनेंगी उनकी, उसमें वो आ जाए, उस पर भानु जी काम कर लें, और उनका स्मृति ग्रंथ जैसा कुछ निकले तो उस पर हम सब लोग, राजाराम जी, मैं, आत्रेय जी, रमेश जी, सब मिलकर के, सब सहयोगी लेखक ही हो, उसका कोई एक संपादक ना हो बल्कि एक संपादक मंडल हो, और वो सब संपादक मंडल इसको काम करे, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में अगर हम ये संकल्प लेने में पूरा समर्थ हो जाते हैं तो एक बड़े साहित्यकार के लिए, जो कि अपने प्रति उतना कभी भी मतलब सचेत नहीं रहा अपने आत्म प्रचार के लिए, उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो रमेश जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और आप आत्रेय जी बता रहे हैं कि एक कविता सुनाना चाहते हैं उनकी लिखी हुई। मैं उनकी पत्नी श्रीमती विजया गोस्वामी की लिखी एक कविता, जो कि माँ होने का सुख से, ये कविता मैं सुना रहा हूँ प्रकाश जी को याद करते हुए। ये कविता छोटी सी है, इस कविता का शीर्षक है इस घर के लिए। विजया गोस्वामी की लिखी हुई पहली कविता जिसका नाम है माँ होने का सुख, स्त्री विमर्श का काव्य है, को सुनाता हूँ। खुशी का सामान, खुशी का सामान इस घर के लिए, खुशी का सामान इस घर के लिए हम जुटा लेंगे इस नए साल, खुशी का सामान इस घर के लिए हम जुटा लेंगे इस नए साल। अपने भीतर बहुत सारा रसोधन था, अपने भीतर बहुत सारा रसोधन था, इसी का स्रोत सूख गया है। ये निश्चित रूप से रसोधन का जो प्रभाव आया है, प्रकाश जी का प्रभाव है, क्योंकि प्रकाश जी की जिस प्रकार की भाषा थी उस भाषा से प्रभावित होकर के उन्होंने लिखा है। खुशी का सामान इस घर के लिए हम जुटा लेंगे इस नए साल, अपने भीतर
बहुत सारा रसोदन था, इसी का स्रोत सूख गया है 26 सालों में। अभी जब कविता की पुस्तक छपी थी उस समय 26 साल हो गए होंगे, 26 सालों में बच्चों के लायक हो जाने का सुख एक अलग चीज है। 26 सालों में बच्चों के लायक हो जाने का सुख एक अलग चीज है, पर अपने दाम्पत्य भाव में अपनी तरह लौटने का मजा अपरंपार है। पर अपने दाम्पत्य भाव में अपनी तरह लौटने का मजा अपरंपार है, उसी सुख के छोटे मोटे आविष्कार करेंगे हम नए साल, उसी सुख के छोटे मोटे आविष्कार करेंगे हम नए साल अवश्य ही करेंगे, और जुटा लेंगे आपसी सहयोग से खुशी का सामान इस घर के लिए। इस कविता के साथ आपसी सहयोग की चूंकि बात इसमें कही गई है, हम सब लोग मिलकर के आपसी सहयोग से प्रकाश परिमल के समग्र के लिए चिंतन मनन और उनके प्रकाशन की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को, मित्रों को धन्यवाद। पुनः हेमंत शेष अपनी दो बात करके इसको इसका समावाद करें। मैं हेमंत शेष से आग्रह करता हूँ कि वो दो बात कहें। धन्यवाद आत्रेय साहब, मुझे ये अवसर मिला कि मैं आज सब विद्वानों के सामने अपनी बात रख सकूं और एक बड़े साहित्यकार की स्मृति को हम लोग पुनर्जीवित कर सके। आज जिनके एक तरह से पुनराविष्कार की या उनके उत्खनन की जरूरत अब आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि राजाराम जी ने भी कहा, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक साहित्यकार का अपना अवदान क्या है, उसके सारे आयामों को एकदम प्रकट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही हम हमारे पूर्वजों की, हमारे जो पहले के पीढ़ी के बड़े साहित्यकार हैं उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आज जन सरोकार मंच को अपनी तरफ से और अपने सब साथियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सामयिक विषय पर इतनी अच्छी चर्चा आयोजित करके, देवेंद्र जोशी हमारे मित्र ने इस कार्यक्रम को इतने सुंदर ढंग से आयोजित किया और हम सब लोगों को एक सूत्र में जोड़ा, ये सब के लिए बहुत बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद और आपके अभिवादन के साथ हम कर रहे हैं। हम किसी नए विषय पर जरूर जन सरोकार मंच टॉक की तरफ से आपसे फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।